गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे कि हम लोग इसके पिछले वाले जो पार्ट था उस पिछले वाले पार्ट में हम लोग जो है किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग का जो मेन एम है पढ़ने का वो है कि इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है। पिछले पार्ट में हमने जो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ा दिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग का है वो है एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। जैसे कि फर्टिलाइजेशन में बताया गया था कि जो मेल एंड फीमेल गैमिट है, ये जो दोनों गैमिट है दोनों हैप्लॉयड थे, यानी कि फर्स्ट मेल गैमिट जो है जब जाकर के ओवूल पहुंचता है तो वहां पर जो है जो एग सेल होता है उस एग सेल से फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको नाम दिया गया था जाइगोट। जाइगोट फिर हमने बताया था कि यही जाइगोट जो है आगे डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर करेगा। तो इस तरह से तो क्लियर हो गया कि जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है और वही जाइगोट लगातार सेल डिवीजन के द्वारा जो है एम्ब्रियो का निर्माण करता है। वो एम्ब्रियो आगे चल करके सीड और उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरी बॉडी का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को यही समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिगर समझेंगे, ज्यादा जो है इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जाइगोट है इसे ये मान लेते हैं जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट सबसे पहले जाइगोट बनता है। कुछ ही समय के पश्चात जो है इस पर एक मोटी जो है सेल वाल का निर्माण हो जाता है। सेल एक काफी दृढ़ जो है सेल वाल यहां पर जो है आकर के बन जाता है। इस तरह से थोड़ा सा कठोर हो जाता है और इसके पश्चात इसमें जो है डिवीजन प्रारंभ होता है। जो पहला डिवीजन होता है यानी जब इससे डिवीजन होता है तो पहली जो डिवीजन होती है ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। पहला जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है ये है मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ऊपर की ओर दो केंद्र का निर्माण कर लेता है, ट्रांसवर्स डिवीजन यहां पर शो करता है। जो इस साइड में होता है ये माइक्रोपाइलेट की तरफ है और ये जो है चलाजाइट की ओर है। इसको कहते हैं जो यहां पर है इस सेल को कहते हैं, जो नाम दिया गया है इसको बेसल सेल कहते हैं, बेसल सेल। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कह सकते हैं सस्पेंशन सेल। जबकि जो दूसरा वाला भाग होता है, ऊपरी जो भाग होता है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, या इसको कह सकते हैं टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। तो इस तरह से जो है दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया सेल डिवीजन के द्वारा। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एक बेसल सेल बनता है, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल बनता है। इसके बाद जो है जो बेसल सेल होता है यानी अगले स्टेज में आएंगे ये, तो जो बेसल सेल होता है वो पुनः फिर से एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और ट्रांसवर्स डिवीजन करने के पश्चात जो दो केंद्र बनाते हैं। जबकि जो टर्मिनल सेल होता है ये यहां वर्टिकल डिवीजन करता है और इस तरह से यहां पर जो है एक टी शेप का प्रो एम्ब्रियो यहां पर बन जाता है। यानी यहां पर जो है टी शेप का एक टी शेप प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके पश्चात जो बेसल सेल है जिसको हम सस्पेंशन सेल कह रहे हैं वो लगातार जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करता रहता है और ट्रांसवर्स डिवीजन करने के पश्चात जो है ये एक लंबी सी जो है कुंतल क्रिया, लंबी सी जो है वो कोशिका का निर्माण करता है, आगे बहुत सारे विभाजन करता है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है काफी फूल जाता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है इस
बेसल सेल का यानी सस्पेंसर सेल का जो सबसे ऊपरी भाग है वो काफी फूल जाता है, इसको कहा जाता है हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया, इस हाउस्टोरिया का जो काम अगर बात करें कि चूषक का काम करता है, यह जो है मृदा में जो है प्रवेश करता है और साथ में जो है जो भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है उस न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद जो एम्ब्रियोनल सेल है उस एम्ब्रियोनल सेल से जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को जो है पोषण प्रदान करेगा। इसके साथ में जो प्रो एम्ब्रियो यानी जो यहाँ पर टर्मिनल सेल है देख रहे हैं, ये टर्मिनल सेल पूरा एक बार विभाजन करता है और ये विभाजन करने के पश्चात जो है चार कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। इस प्रकार जो यहाँ पर चार कोशिका का निर्माण होता है, जो सबसे नीचे जो सस्पेंसर सेल है उसका सबसे निचला वाला भाग होता है, इसको यहां पर नाम दिया गया है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कहते हैं और ये जो हाउस्टोरिया और बाकी जो है ये सब सस्पेंसर सेल होते हैं, इसको हम कह सकते हैं सस्पेंसर सेल। इसमें जो है डिवीजन होता है, जो हाइपोफाइसिस के नीचे वाले जो एम्ब्रियोनल सेल है उसको पुनः विभाजन होता है, अब उसके वैसे ऊपर जाएगा तो उसको हमें जरूरत नहीं पूरा बनाने की। अब इसमें से जो है जो हाइपोफाइसिस उसके ठीक नीचे की जो कोशिका है उस कोशिका में पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू जो है दो तीन चार कोशिका ऊपर और चार कोशिका नीचे बनती है। जो ऊपर के चार कोशिकाएं ऑक्टेंट स्टेज से बनता है, इसको हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। इस ऊपर के चार जो हाइपोफाइसिस है, इस हाइपोफाइसिस के ठीक नीचे की जो चार कोशिकाएं होती हैं, इसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। हाइपोबेसल सेल कहते हैं। इस हाइपोबेसल सेल से जो है दो चीज बनता है, एक तो ये रेडिकल का विकास करता है और दूसरा जो है ये हाइपोकॉटिल का निर्माण करता है। तो ध्यान रहे कि हाइपोकॉटिल का निर्माण किससे होता है, हाइपोबेसल सेल से होता है, काफी कंपटीशन पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। तो ये रेडिकल और हाइपोकॉटिल का जो है डेवलपमेंट हाइपोबेसल सेल से होता है, उसके नीचे जो होता है ये यहां पर जो है एपीबेसल सेल कहलाता है और इससे जो है प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होता है, प्लूम्यूल बनता है और साथ में यहां पर जो है कॉटिलिडन्स का निर्माण इससे होता है, कॉटिलिडन्स का निर्माण होता है। ठीक है, लगातार जो है अब पेरिकाइनल डिवीजन करता है और ये पेरिकाइनल डिवीजन करने के पश्चात जो है ये कुछ गोल सी आकृति यहां पर जो है बना लेता है। ये ये पेरिकाइनल लगातार डिवीजन करने के बाद एक जो है ऊपर तो एपिडर्मिस बनता है और ये अंतिम में चल करके डेवलप करके डर्मेटोजा बनाता है, उसके नीचे की ओर जो है यहां पर पेरिबलम बनता है और उसके नीचे की ओर प्लूरोम का निर्माण होता है। तो इस तरह से तीन स्तरों का निर्माण हो जाता है। सबसे ऊपरी आवरण कहते हैं डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन, उसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं पेरिप्लम और सबसे भीतर की ओर जो होता है उसको कहते हैं प्लीरोम, प्लीरोम। तो इस तरह से तीन भागों का निर्माण होगा। अब एक बार फिर से थोड़ा सा आते हैं देखते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो निर्माण यहां पर हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट, दोनों में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां तक सेम होता है, यानी कि चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होता है। लेकिन अगर हम डाइकॉट का पढ़ें, डाइकॉट क्योंकि मोनोकॉट में इस टाइप कोई जो है वो कॉर्डेट शेप में नहीं कन्वर्ट होगा, तो लेकिन हम डाइकॉट में देखें तो डाइकॉट थोड़ा और जो है अंतर हो जाता है। और जो डाइकॉट का जो भ्रूण होता है, ध्यान रहे डाइकॉट का जो भ्रूण होता है डाइकॉट, इसका जो टिपिकल भ्रूण इसका माना जाता है वो है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस।
यानी इसका जो डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसका जो टिपिकल एम्ब्रियो है वो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस टाइप का होता है। ये क्या है, ये प्लांट्स का नाम है, ये क्रूसीफेरी फैमिली का सदस्य है, क्रूसीफेरी फैमिली का सदस्य है, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पौधे का नाम है। उसी पर सबसे पहले इसी के बारे में जो पता चला, इसीलिए माना जाता है डाइकॉट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसका जो टिपिकल एम्ब्रियो कहलाता है वो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस कहलाता है। तो जहां पे कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस टाइप का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सभी डाइकॉट प्लांट्स में होता है। तो यहां तक जो हमने बताया वो डाइकॉट एंड मोनोकॉट में सेम होता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो हम लोग मेन पढ़ेंगे डाइकॉट का, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है। अब ये डर्माइटोजन है या पेरिप्लम है, प्लीहोम है, ये तीन स्तर, ये भी चीज एक चीज ध्यान दें, ये इसको हिस्टोजन थ्योरी भी कहते हैं, इसको हेस्टिन ने दिया था हिस्टोजन थ्योरी को। जो डर्माइटोजन होता इससे आगे चल करके एपिडर्मिस का निर्माण करता है, पेरिप्लम से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है और प्लीहोम से रम यानी स्टील का निर्माण होता है। तो ये तीन भाग यहाँ पर जो होते हैं जिससे कि पौधे के विभिन्न प्रकार के जो है जो उसके टिश्यूज होते हैं उसका निर्माण टिश्यू का होता है। अब ये क्या करता है कि जो ये डर्माइटोजन पेरिप्लम प्लीहोम ये कॉर्डेट शेप में बनना शुरू हो जाता है, ये अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉर्डेट हो जाता है, और ये बहुत सारी कोशिकाएं यहां पर जो है इस तरह से जो है पूरा जो है, तो ये कॉर्डेट शेप का ये कन्वर्ट हो जाता है और इसको कहते हैं कॉटिलिडन्स, इसको कहते हैं कॉटिलिडन्स, और ये फिर आगे चलकर डेवलपमेंट होकर के दो कॉटिलिडन्स बन जाता है, इसका नाम रखा गया डाई कॉटिलिडन्स। तो ये पूरा जो था वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स है। अगर मोनोकॉट होगा तो ये जो है कॉर्डेट शेप में नहीं बनेगा और ये जो है सीधे डेवलप करके एक मोनोकॉट की स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कॉटिलिडन्स की संख्या एक ही होती है मोनोकॉट में, यहां पर चूंकि दो होती है तो ये ग्रुप लगातार बढ़ता जाएगा और इस तरह से दो पार्ट से बढ़ जाते हैं। जैसे मटर का अगर दाना निकाल करके देखें तो उसके छिलके अगर छिल जाए तो वहां पर दो बीज पत्र जो है अलग हो जाते हैं, वही जो दोनों बीज पत्र है वो दोनों बीज पत्र ही पर जो निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का यहाँ पर जो है हो जाता है, पौधे के में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो यहाँ पर है वो इस प्रकार से जो है पहले जो ट्रांसवर्स जीन करके जो है यहाँ पर दो सेल बनाएगा, फिर उसके बाद जो एक पे ट्रांसवर्स होगा, एक में जो वर्टिकल जीन होगा, फिर उसके पश्चात जो है ये लगातार ट्रांसवर्स जीन करेगा, इसमें जो है ये वो क्या नाम है ट्रांसफर डिवीजन करेगा और इसके पश्चात जो है इसमें पूरा ट्रांसफर डिवीजन और ये फिर यहाँ पर पेरी फाइनल डिवीजन करेगा और उसके बाद एंटी फाइनल डिवीजन होता है। असल में होता क्या है, ये डर्माइटोजन है ये यहाँ पर पेरी फाइनल डिवीजन करता है, पेरिब्लम जो होते हैं एंटी फाइनल डिवीजन करता है, और जो पीरोम होता है ये एंटीक्लाइनल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन के रूप में विभाजित हो करके तब जाकर के कॉर्डेट स्टेज बनाता है, ये कॉर्डेट स्टेज में लगातार ग्रोथ होता है, इस तरह से दो बीज पत्र का निर्माण हो जाता है और वो आगे चलकर डेवलप करके एक सीड का निर्माण करता है और उस सीड से फिर जो है आगे की ओर एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये था इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट्स एंड वो मोनोकॉट प्लांट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है उसमें कॉर्डेट स्टेज नहीं बनता है। तो धन्यवाद, समझ में आ गया होगा आई होप।